नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। जिस वक्त भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सूरज के उगने का इंतजार कर रहा था, उसी वक्त गीता ने अपने घर के पास से बह रही नाली में से कुछ आवाजें आती सुनी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के वल्सर वक्कम इलाके में रहने वाली गीता ने समझा कि शायद कोई छोटा जानवर ढकी हुई नाली में फंस गया है। सो उसने भीतर झांका और उसे बाहर खींच लिया, लेकिन गीता और पास खड़े अन्य सभी लोगों के तो होश ही उड़ गए जब उन्होंने देखा कि गीता ने जिसे बाहर खींचा वो एक नवजात लड़का है, जिसके गले से नाल तक लिपटी हुई थी। गीता ने तुरंत ही नाल को बच्चे के गले से अलग किया और बच्चे को नहलाया और चेन्नई के एग्मोर अस्पताल में पहुंचा दिया, क्योंकि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत में सुधार हुआ और वो अब बिल्कुल ठीक है। गृहिणी गीता ने कहा, मैं उसका नाम सुतितिरम रख रही हूँ क्योंकि वो मुझे स्वतंत्रता दिवस पर मिला है। मुझे खुशी है कि उसे जीने की आजादी मिल गई। बच्चे का नाली में पाया जाना, उसे नहलाया जाना, अस्पताल पहुंचाया जाना और फिर अम्मा यानी कि तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता उसे कंबल किट में लपेटे जाने के बाद कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और अब वो वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि वो इस बच्चे को गोद कैसे ले सकते हैं। उधर इस बच्चे को निश्चित मौत से बचा लेने के लिए गीता की भी जमकर तारीफ की जा रही है और सोशल मीडिया पर उसका फैन क्लब तक बना लिया गया है। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।